हेलो एवरीवन, दुर्गेश दिस साइड एंड बैक विद द वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सट्रीम 160R की, जो हमें प्रोवाइड कराई है बॉम्बे ऑटोमोबाइल्स हीरो ने। तो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाइए, उनसे बात करिए, बाइक के बारे में जितनी भी डिटेल्स आपको पूछनी है उनसे कंसल्ट करिए। और चलो बाइक की सीधा डिटेल से स्टार्ट करते हैं। भाई लोग, हम लोग शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। तो इसमें फ्रंट में आपको एलईडी यूनिट हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। वहीं बात करें इसके इंडिकेटर्स की, तो इसमें आपको एलईडी यूनिट इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही है यार। और वहीं अगर हम बात कर लें इसके सॉकर्स की, तो इसमें टेलीस्कोपिक सॉकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि इंडिया की रोड के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा। अगर आप गड्ढे वगैरह में चलाते हो तो जैसे आपको पता ही है कि इसमें जल्दी सॉकर सील्स वगैरह ख़राब नहीं होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको छोटा सा रिफ्लेक्टर दिख रहा होगा, जो कि हाईवे में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है और काफ़ी अच्छा होता है। तो ये बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। अगर हम बात करें इसके फ्रंट डिस्क की, तो 273mm का इसमें डिस्क देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके टायर्स की और टायर की ग्रिप की, तो इसमें MRF का नैलो जैपर टायर आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी आपको ग्रिप प्रोवाइड कर देगा। रोड में बारिश के सीज़न में, मड में भी आप चलाओगे तो काफ़ी अच्छी आपको ग्रिप मिल जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इस गार्ड की। अगर आपकी बाइक स्लिप होती है, गिरती वगैरह है, तो ये आपके इस फाइबर को बचा के रखेगा काफ़ी हद तक। और वहीं बात कर लें हम इस बाइक के इंजन की, ये इंजन प्रोड्यूस करता है 15 BHP एंड 14 Nm टॉर्क, जो कि काफ़ी अच्छी पावर आपको दे देगा और माइलेज भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। और ये बाइक की स्टार्ट के साथ भी आती है, इसमें सेल्फ भी है। और अगर हम बात कर लें वहीं रेयर की, तो इसमें आपको पीछे साइड 220mm की डिस्क देखने को मिल जाएगी। और अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें आपको मड वगैरह से बचाने के लिए क्या दिया गया है, तो पीछे एक मड गार्ड दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर जो भी पिलियन होगा उसकी सल्ट वगैरह कभी नहीं गंदी होगी, काफ़ी अच्छी चीज़। तो रियर डिस्क के बाद अगर हम बात करें इसके सस्पेंशन की, तो पीछे साइड आपको मोनोसॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो 7 स्टेप तक। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करवा सकते हो, जो कि काफ़ी सही है। अगर आपको ऑफ रोडिंग वगैरह पसंद है तो आप इस बाइक से कर सकते हो, लॉन्ग टूर भी मार सकते हो, क्योंकि इसकी सीट काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत आराम से इसको दबा पा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छी सीट दे रखी है। अगर हम बात करें इसके बैक लाइट की, तो पीछे आपको LED यूनिट बैक लाइट भी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी सही है यार। और ज़्यादातर इसमें LEDs आ गई हैं। फ्रंट में भी आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, इंडिकेटर्स LED, बैक लाइट भी LED। और यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिल जाएगा। इसमें चेन कवर आपको नहीं मिलेगा, इसकी चेन आपको बार बार ल्यूप करनी पड़ेगी। 300-400 किलोमीटर्स में आपको इसकी चेन ल्यूप करवानी पड़ेगी और काफ़ी केयर करनी पड़ेगी। तो 12 लीटर्स का ये टैंक है और इसकी माइलेज आपको देखने को मिल जाएगी 48, जो कि कंपनी क्लेम करती है। काफ़ी सही है यार, आपको अच्छी खासी रेंज इसमें देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अच्छे से आप इसको चला पाओगे और काफ़ी अच्छे से आप घूम पाओगे जितना भी आपका घूमने में का मन होगा। वहीं अगर हम बात करें इसके स्पीडोमीटर की, तो इसमें आपको बेसिक चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, सारे इंडिकेशंस आपको लाइट्स के यहाँ ABS वगैरह के देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको ओडोमीटर ट्रिप ए, ट्रिप बी, फ्यूल टाइम सब कुछ बता देगा। और काफ़ी सही है यार, काफ़ी छोटे से मीटर में काफ़ी सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर स्विचेस की, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं, ये चीज़ ऐड कर दी गई है। पार्किंग लाइट का ऑप्शन आपको दे दिया गया है, इसमें आपके चारों इंडिकेटर्स चलने लगते हैं इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे। और इधर साइड आपको पास बटन देखने को मिल जाएगी, अपर डिपर इंडिकेटर, हॉर्न देखा जाए तो नॉर्मल सा है जैसे सारी बाइक्स में आता है। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है मुझे, इसमें आराम से किल स्विच में ही आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस, बाइक स्टार्ट हो जाएगी। अभी स्टैंड और गियर पे है तो मैं उसको हटा देता हूँ, गियर से न्यूट्रल कर देता हूँ बाइक। अब आप देख सकते हो न्यूट्रल हो गई है, जैसे इसको दबाएंगे बाइक स्टार्ट हो जाएगी। वाह यार, ये काफ़ी नया फीचर और काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप जैसे इसको बंद करेंगे तो किल स्विच एंड स्टार्ट बटन दोनों का काम करता है।
और इधर आपको दिखाता हूँ कि जब बाइक ऑन होती है तो कितना अच्छा लगता है मीटर। ओ वाह यार, इतनी सारी चीज़ें इसमें अच्छी अच्छी दे दी गई हैं यार, काफ़ी अपग्रेडेड कर दिया गया है, क्या ही मस्त टेक्नोलॉजीज आ रही हैं हमारे पास। और यहाँ पे काफ़ी सारी आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी, हीरो एक्सट्रीम की, हीरो की, पीछे 160R की। तो ओवरऑल एक बार लुक देख लो बाइक का, कितनी सेक्सी लगती है यार, काफ़ी सही बाइक लगती है और काफ़ी अच्छे प्राइस रेंज में ये आती है। तो अगर हम बात करें इसके एक्स शोरूम प्राइस की, तो 1,12,000 की आपको ये देखने को मिल जाएगी एक्स शोरूम, और काफ़ी सही प्राइस है यार, माइलेज वगैरह भी अच्छा मिल जाता है। 160cc की ये बाइक है। अभी मैं आपको राइडिंग रिव्यू दे दूंगा और बारिश का मौसम है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपना बेस्ट दे पाऊँ उसमें राइडिंग रिव्यू में, आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखा दूँ। तो चलो अब हम लोग कदम बढ़ाते हैं अपने एग्जॉस्ट नोट की तरफ, बाइक को करते हैं स्टार्ट और इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। तो ये कर दी मैंने बाइक स्टार्ट, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि BS6 बाइक में ऐसी आवाज़ काफ़ी कम हो गई है और पॉल्यूशन भी काफ़ी कम करती है हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए।